सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपके पास है ओप्पो रेनो 11 5G मोबाइल और दोस्तों आप उसमें चाहते हो किसी भी पर्सनल ऐप पर लॉक लगाना, तो दोस्तों आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ऐप लॉक पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे ऐप लॉक के सामने टिक डिसेबल, इसको इनेबल करना है। इस तरह से इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे बोलेगा सेट ए प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट। आप अगर पहली बार लॉक करोगे तो आपको यहाँ पे एक प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, तो सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 6 अंकों का कोई भी पासवर्ड बना लेना है, तो दोस्तों यहाँ से हम बना लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको यूज पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा से कंफर्म करना सेम वही पासवर्ड। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेट टीचर्स नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो। डालने के बाद सही के निशान पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी। जिस एप्लीकेशन पे आपको लॉक लगाना है वो एप्लीकेशन को यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ से हम यूट्यूब पर लॉक लगाएंगे, तो यूट्यूब के सामने टिक डिसेबल, इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद सक्सेसफुली यूट्यूब पर लॉक लग जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं दोस्तों, हमने यूट्यूब पर लगाया है। तो ये रहा यूट्यूब, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इंटर प्राइवेसी पासवर्ड मांग रहा है। अब दोस्तों जो मैंने पासवर्ड वहाँ पर डाला था, पासवर्ड यहाँ पे जब डालेंगे तभी दोस्तों हमारा यूट्यूब जो है ओपन होएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ओप्पो रेनो 11 5G मोबाइल में किसी भी ऐप पर लॉक लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।